मूवी की स्टार्टिंग में हम शिप में कई लोगों को ट्रैवल करते हुए देखते हैं। किम नामक एक लड़की शिप में खड़ी ओशन को देखे जा रही थी। उस लड़की के डैड उसे पीछे से डराते हुए कहते हैं कि अभी ओशन से देखना, एक मॉन्स्टर निकल आएगा, कहकर वो हंसने लगते हैं। तभी शिप में मौजूद लोग ओशन के डॉल्फिन्स को जंप करते हुए देखते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि असल में सारी मछलियाँ ओशन से किसी जायंट मॉन्स्टर के कारण भाग रही हैं। कुछ देर बाद शिप एकदम से उलटने लगता है। सभी पैसेंजर्स एक एक कर पानी में गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद किम के पिता अपनी आंखें खोलकर अपनी बेटी को अपने सामने ना देख उसे ढूंढने लगते हैं। उनके आसपास कई लोग अपने परिवार के डेड बॉडीज के सामने बैठकर रो रहे थे। किम के डैड ये देख डरने लगते हैं। दोस्तों, कुछ पैसेंजर्स बाहर के ऊपर भी थे और वहाँ किम भी मौजूद थी। तभी वहाँ पर हम एक जायंट सर्पेंट देखते हैं। ये जायंट सर्पेंट एकदम से उठकर सभी पैसेंजर्स पर हमला कर देता है। पैसेंजर्स सारे हवा में उड़ने लगते हैं। अब जायंट सर्पेंट किम के बिल्कुल पीछे चला आता है। उसके डैड उसे बचाने तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही सर्पेंट किम का काम तमाम कर देता है। किम के डैड अपनी वॉकी टॉकी में किसी की आवाज सुनते हैं। ये वॉकी टॉकी फिलहाल किम के पास था। वो समझ जाते हैं कि अभी भी कई सारे विक्टिम सर्पेंट के पेट के भीतर जिंदा है, तो वो सभी पैसेंजर्स को ये बात बताकर उन लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए निकलते हैं। कुछ पैसेंजर्स भी उनकी मिशन में शामिल होते हैं। ये पैसेंजर्स रेस्क्यू के लिए निकलते हैं। वहाँ कुछ गड़बड़ सा था। एक टेंटैकल जैसी चीज एक आदमी को खींच लेती है और बाकी पैसेंजर्स उस आदमी को अकेले छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जायंट सर्पेंट अपने बिल में आकर अपने मुंह से सभी पैसेंजर्स को निकालता है, जिनमें से कुछ मर चुके थे और कुछ जिंदा थे। एक आदमी होश में आता है और वो होश में आते ही दूसरे पैसेंजर्स को रेस्क्यू करता है, जिनमें से एक किम भी थी। दोस्तों, इस दौरान उन लोगों में एक बिजनेसमैन मौजूद था जो बहुत सेल्फिश था और खुद को बचाने में ही लगा था। इस बिल में एक बड़ा सा अंडा था जिसे किम छूने से मना करती है, क्योंकि ये अंडा कभी भी फट सकता है। और जायंट सर्पेंट बाहर आ गया तो ये लोग और मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन सेल्फिश होकर इस अंडे को फोड़ देता है और कुछ देर बाद उस अंडे से एक जायंट सर्पेंट का बच्चा निकल आता है। ये छोटा सर्पेंट एक महिला को अपना पहला शिकार बनाता है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम जंगल में भाग कर सर्पेंट का बिल ढूंढ रही थी। पूरा जंगल पैसेंजर्स के डेड बॉडीज से भरा था। रेस्क्यू टीम को पैसेंजर्स जंगल में पेड़ों से काला लिक्विड निकलता हुआ देखते हैं। एक आदमी वहां माचिस की तीली फेंकता है और एकदम से आग पकड़ लेता है वो जगह। तभी किम के डैड हैलुसिनेट करते हैं कि उसे सर्पेंट चोक करके मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके होश में आते ही बाकी लोगों को इस जायंट पेड़ के टेंटैकल्स चोक करके मारने लगते हैं। एक आदमी इस दौरान मारा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सभी जंगल से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल में छोटे सर्पेंट को पैसेंजर्स मिलके मारने लगते हैं। बिजनेसमैन तो बाकी लोगों पे गुस्सा हो जाता है और वो झगड़ने लगता है कि तुम लोगों के कारण मैं मुसीबत में फंस गया। तभी पैसेंजर्स में से एक लड़की सुशी कहती है कि हमें बचाने के लिए एक साथ काम करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। मीनवाइल रेस्क्यू टीम का एक लड़का जंगल में पानी पी रहा था। तभी एकदम से उसके ऊपर एक जायंट मछली हमला कर देती है। इस मछली के बड़े बड़े दांत थे, लेकिन जैसे तैसे ये लड़का उस मछली को दूर पानी में फेंक देता है। कुछ देर बाद इस लड़के के पीछे कई सारे पिराना उड़ते हुए आते हैं। ये लड़का भागने लगता है। बाकी लोग भी इतने सारे पिराना को देखते ही अटैक करते हैं, लेकिन इतने सारे पिराना को ये लोग नहीं मार पाते हैं, तो सभी एक एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय ये लोग छिपते छिपाते लड़ते हैं, लेकिन भागना तो पड़ेगा यहाँ से, इसलिए सभी वहाँ से तेजी से भागते हैं और पिराना से बहुत दूर चले आते हैं। अब जंगल की एक जगह पहुंचकर रेस्क्यू टीम का एक आदमी किसी जानवर का बड़ा पंजा देखता है। तभी ऊपर से जेली जैसे इन लोगों के कंधों में कुछ गिरता है और ऊपर देखते ही ये लोग एक भयानक सा जायंट कीड़ा देखते हैं। लेकिन उस कीड़े के इन लोगों पर हमला करने से पहले एक जायंट टेंटैकल आकर इस कीड़े को खींच लेती है। फिर इन लोगों के सामने एक जायंट मेंढक उछलता हुआ आकर इन लोगों का पीछा करता है। जायंट मेंढक ने लगभग रेस्क्यू टीम के एक आदमी को बहुत बुरी तरह से ट्रैप कर लिया था, लेकिन ये लोग मिलकर उस मेंढक के आंख में बड़ी नोकीली चीज फेंक कर वहां से भागने लगते हैं। जायंट मेंढक दोबारा से इन लोगों पर हमला करने के लिए जंप करता है, लेकिन इस बार जायंट सर्पेंट उसे निगल कर खा लेता है। जायंट सर्पेंट की नजर अब इन लोगों पर जाती है। वो सभी का पीछा करता है
लेकिन ये लोग चालाकी दिखाकर लंबे नारियल पेड़ों के बीच से छिपते हैं, जिस कारण से जायंट सर्पेंट का सर पेड़ों के बीच अटक जाता है और वो इन लोगों पर हमला नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी सर्पेंट एक आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है और बाकी लोग ये देख पानी में छिप जाते हैं। उन लोगों के ना मिलने पर जायंट सर्पेंट वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सर्पेंट अपने बिल पहुँच कर बाकी विक्टिम्स को छोड़ता है। बिल में मौजूद पैसेंजर्स भी डर रहे थे क्योंकि बिल के बाकी अंडे अब टूटने वाले हैं और कभी भी एक और सर्पेंट निकल कर बाहर आ जाएगा। तभी एक सर्पेंट अंडे से बाहर आता है। बाकी पैसेंजर्स बिल से निकलने की कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन बाहर निकलता है लेकिन बाकियों को वो धक्का मार देता है जिससे कि वो अकेला ही सुरक्षित बाहर जा सके और बाकी पैसेंजर्स वहां से निकल ना सके। और तभी सर्पेंट पैसेंजर्स को देख उन्हें निगल कर खा लेता है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम घबराई हुई थी। वो लोग एक घर में घुसती है जो एक समय एक लैब था। लैब में छानबीन करके पता चलता है कि लैब के लोग जंगल पर एक्सपेरिमेंट करते थे और इसी कारण से जंगल और जानवरों का ये हाल है। इन लोगों को एक मशीन भी मिलता है जिसमें ये लोग असल रेस्क्यू टीम को मैसेज भेजती है। तभी वहाँ बिजनेसमैन आता है। वो झूठ कहते हुए बताता है कि बाकी पैसेंजर्स मर चुके हैं और वो अकेला सिर्फ बच गया है। किम के डैड तो ये सुन बहुत टूट जाते हैं। अब अगले दिन ये लोग एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि रेस्क्यू टीम सच में सभी को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पहुँच गई है। सभी भागने लगते हैं। तभी किम के डैड वॉकी टॉकी में किम की आवाज सुनते हैं। वो सभी को वॉकी टॉकी सुनाते हुए बताते हैं कि अभी भी सभी लोग जिंदा है। ये सुनकर बिजनेसमैन हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है लेकिन हेलीकॉप्टर नीचे उतरने से पहले ही जायंट सर्पेंट उससे भी निगल जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर बिजनेसमैन पर उसके झूठ कहने के कारण अटैक कर देता है। और अब तक दोस्तों बाकी अंडों में से सर्पेंट बाहर निकल आए थे जो पैसेंजर्स को खाने के लिए तैयार थे। अब किम के डैड वहाँ बिल पर पहुँच जाते हैं और वो किम और सुशी को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जायंट सर्पेंट चला आता है। उसे देख किम के डैड डरने लगते हैं लेकिन उसके बाकी साथी आकर सर्पेंट के आंखों पर जोर से मारते हैं, वो भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल कर। और इसका फायदा उठाकर किम और सुशी ऊपर खींचे जाते हैं। ये सब भी तुरंत वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ बिजनेसमैन डर के मारे भाग रहा था। वो भागते भागते फिसल कर सीधा जायंट सर्पेंट के बिल में गिरता है और उसे छोटे सर्पेंट्स बेरहमी से मार देते हैं। मीनवाइल किम सुशी और बाकी लोग दो हिस्सों में भाग रहे थे और जायंट सर्पेंट से लड़ भी रहे थे जिसका कोई फायदा नहीं था। जैसे तैसे बचते बचाते लड़ते लड़ते ये लोग भागते हैं लेकिन फिर भी किम दोबारा से जायंट सर्पेंट का शिकार बन जाती है और किम के डैड भी सर्पेंट का शिकार बनने वाले थे। इस दौरान रेस्क्यू टीम का एक आदमी लकड़ी में आग जलाकर सर्पेंट के सामने चला आता है और अब जायंट सर्पेंट उस आदमी का पीछा करने लगता है। भागते भागते ये लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वो काला लिक्विड इन लोगों को सुबह मिला था। ये आदमी सर्पेंट के आते ही वहां आग लगा देता है और सर्पेंट जलकर मारा जाता है। किम के डैड अब जैसे तैसे किम को सर्पेंट के पेट से बाहर सेफली निकालते हैं। किम बेहोश थी, उसे जैसे तैसे किम के डैड और बाकी सभी मिलकर होश में लाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन स्नेक 2। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।